हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 का रहेगा। उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट मैप और माइंड मैप, यानी एक ही पूरे पेज के ऊपर सारे कंसेप्ट या जो भी टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 5 में लर्न किए हैं या लर्न करने वाले हैं वो सारे इसी कंसेप्ट में आ जाते हैं सिस्टमेटिक वे से, कि पहले क्या देखना है, फिर क्या लर्न करना है, फिर उसके बाद क्या। ओके, इस टाइप से एक ही पेज के अंदर सारे टॉपिक इम्बेडेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और इजी वे के अंदर हम याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ इसको, जस्ट वन मिनट, लाइक दिस वन। इसको अगर हम जूम करते हैं तो आपको सारा दिख पाएगा, लाइक दिस वन। स्टेट ऑफ मैटर, इसे हम बोलते हैं कंसेप्ट मैप या फिर माइंड मैप भी कई बार लिखा रहता है। तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो पहला टॉपिक रहता है वो हमें पढ़ना होता है इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, और उसमें इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन और लंदन फोर्स। जो पहला फोर्स होता है वो रहता है आपका डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस। ओके, तो इसी टाइप से फिर सेकंड गैस लॉ, थर्ड आपका जो कंसेप्ट था आइडियल गैस इक्वेशन, फोर्थ आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिफ्थ आपका रहता है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड वांडर वाल इक्वेशन, इसी के अंदर इंक्लूड है। सिक्स्थ नंबर आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड सेवन्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट। तो एट प्रेजेंट टाइम ये सारे जुड़े हुए किससे, स्टेट ऑफ मैटर से। तो कैसे लर्न करना, पहले गैसेस में कौन से फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो पहला आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, मेनली फोर टाइप के होते हैं आपके पास, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड मैप को पढ़ना। मैं इसकी डाउनलोडेबल लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको ईजी रहेगा एग्जाम से पहले जस्ट इसके ऊपर अगर आपने रिवाइज कर लिया तो सारे मीन्स कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो कंसेप्ट मैप को आपको एक बार लर्न कर लेना। ओके, तो चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो कंसेप्ट है, जब भी गैसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या रहता है बेटा, इसको थोड़ा सा ओके, फर्स्ट कंसेप्ट हमें रहेगा इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन। ओके, दिस वन। इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन कितने टाइप के होते हैं, मेनली इनके होते हैं फोर टाइप। फर्स्ट रहता है आपके पास लंदन या डिस्पर्सन फोर्स, ये किसके अंदर वर्क करता है, नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। ओके, नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर रैंडमली अगर पोलैरिटी उनके कंपाउंड के अंदर जनरेट हो गई ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और वही आपके पास क्या है, लंदन फोर्स। एक्ट बिटवीन इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल, मोमेंट्री मीन्स रैंडमली किसी भी टाइम अगर एटम या मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेट हो गए तो उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाते हैं और उन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। सेकंड जो टाइप है इसके अंदर, ये फर्स्ट था डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये किसमें रहेंगे, जिसमें परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, लाइक H2O मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल एंड एक्सेट्रा, लाइक HF या फिर आप बोल सकते हो लाइक अदर मॉलिक्यूल्स, HF HCl के अलावा भी दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल की बात करें तो H2 हो गया, NH3 हो गया, H2S गैस के अंदर भी रहता है। ओके, देन आफ्टर HF HBr HCl etc, इन सभी के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, परमानेंट डाइपोल इनके अंदर रहते हैं। एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल पासिंग परमानेंट डाइपोल। थर्ड आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मीन्स एक जो भी गैस है उसके अंदर डाइपोल है परमानेंट, दूसरे के अंदर नहीं है, तो जिसमें डाइपोल है वो सेकंड वाले को डाइपोल जनरेट करेगा और उनके अंदर अट्रैक्शन आएगा। तो ये किसमें काम करता है, एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड मॉलिक्यूल्स लेकिंग इट। एंड फोर्थ वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द डाइपोल 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 फोर्स, इसका एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें हम किसके बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच में कॉट है, बीच में रहता है। इट इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, H2O के अंदर बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर में वो रहता है आपका गैसेस लॉ। ओके, लॉ ऑफ गैस या गैसेस लॉ, जो फर्स्ट लॉ रहता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैसेस के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखे तो जो उसका वॉल्यूम है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, अगर हम दो गैस दो सिस्टम की बात करें यानी कि P1 V1 और P2 की,
दैट कंडीशन हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, एंड प्रेशर जो है वो डेंसिटी के भी इक्वल प्रोपोर्शनलिटी रहता है। सेकेंड जो आपका लॉ है वो है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के प्रोपोर्शनलिटी रहता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, सॉरी टेम्परेचर थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है, थर्मल एनर्जी काइनेटिक मोशन से रिलेटेड है, काइनेटिक मोशन मोशन से रिलेटेड है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल मोशन में होंगे तो वॉल्यूम आपका बड़ा होगा, इसलिए तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी मींस अगर दो सिस्टम है तो वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, ये रिलेशन निकलता है। थर्ड आपका गैस लॉ है गे-लुसाक्स लॉ। ये क्या बोलता है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपका प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहता है, पी प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो पी वन अपॉन पी टू बोलो या फिर पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू आपका निकलेगा दो सिस्टम के लिए या एट दो टाइम के लिए पी वन, और कुछ टाइम के बाद अगर प्रेशर P2 है तो जो रिलेशन आपको निकलेगी P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। फोर्थ आपके पास रहता है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस क्या कहता है कि भाई अगर आपकी कंडीशन सेम है, लाइक टेम्परेचर प्रेशर आपका अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो v proportional to small n number of mole, तो v equals to kn। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट इसका ये भी था कि फॉर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस पासेस सेम नंबर ऑफ मोल्स। ओके, दो अलग अलग गैस है, दोनों अलग अलग गैस के लिए टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो दोनों ही गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट था। फिर आपके पास फिफ्थ लॉ क्या होता है, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ एफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, दो गैसों का मिक्स होना परमिबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये एफ्यूजन क्या होता है, किसी भी गैस का कंटेनर से एक होल के थ्रू बाहर निकलना। ओके, तो डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन की जो रेट है वो उसके किसके होते हैं, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी रहती है। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू अंडर रूट डी वन डी टू अपॉन डी वन आपका ये निकलता है। सेकंड कंसेप्ट आपका पूरा होने के बाद हम निकालते हैं आइडल गैस इक्वेशन। ओके, आइडल गैस इक्वेशन कैसे निकलते हैं, जो आपके पास गैसेस लॉ है उन्हीं को अगर हम कंबाइंड करें तो हमारे पास निकले कि आइडल गैस इक्वेशन। ऐसी गैस है जो जो आइडल गैस इक्वेशन को टेम्परेचर और प्रेशर के हर एक वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई करती है उसे हम कहेंगे आइडल गैसेस, और जो गैसेस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती वो कहेगी आपकी रियल गैस, और रियल गैस के लिए अलग इक्वेशन निकलती है जिसे हम कहते हैं वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन, जो कि कंसेप्ट रहेगा फोर्थ। तो आइडल गैस इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी हमारे पास, आइडल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। इसमें R की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, R की वैल्यू क्या होती है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, अगर अलग यूनिट के अंदर देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0822 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एटीएम पर केल्विन पर मोल। ओके, अगर हमने यूनिट चेंज की तो इसके बराबर रहेगा 0.0822। अगर मैंने प्रेशर को पास्कल में लिया तो मेरे पास आएगा 8.314 पास्कल इंटू मीटर क्यूब इंटू पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 इंटू 10^-2 बार इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। तो मुझे जो वैल्यू यहाँ पे चाहिए सिर्फ मुझे पहले वाली वैल्यू आपके लेवल के लिए चाहिए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आपके लेवल में अभी इंक्लूडेड है, बाकी की वैल्यू बाद में काम आएगी। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगा आपका, अगर मैं P इक्वल टू एनआरटी को रख के इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाऊं तो मेरे पास बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इससे हम किसी एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या था कि भाई कि जो भी गैसेस का टोटल प्रेशर होता है वो ड्यू टू आपके जो अलग अलग टाइप के गैसेस कंटेनर में फिल है उसके प्रेशर के उसके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ओके, जैसे मान लो एक कंटेनर है
कंटेनर में आपके थ्री टाइप की गैसेस फिल है, ए बी और सी। तो अगर टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर में मोल हो तो वो इक्वल होगा पीए के बराबर प्लस पीबी के बराबर प्लस पीसी के बराबर। मींस पीए मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, पीबी कितना कर रहे हैं, पीसी कितना कर रहे हैं, तीनों का सम करो तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ सकता है। फिर इसी के अंदर हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बारे में भी हमने इसमें स्टडी की थी। मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करेंगे, एक्सआई से। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्सआई मीन टोटल मोल ऑफ द ए मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल मोल मीन्स एन ए, मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल्स तो एन ए अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो अगर मैं पर्टिकुलर ए के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मोल फ्रैक्शन से हम इसके जो प्रेशर की कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो टोटल प्रेशर पी है, ओके, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सआई है, तो ए के प्रेशर कितना आएगा, पी एक्स आई, ओके। ए के लिए प्रेशर कितना होगा, पी एक्स आई, मोल फ्रैक्शन को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो था आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो मेनली क्या है, बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करती है, बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करती है। लाइक द गैसेस, इन द गैसेस द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फार अवे टू ईच अदर एंड द स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर ग्रेटर कंपेयर्ड ग्रेटर, ओके। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर वेरी हाई कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। सो जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो हम नेगलिजिबल मान लेते हैं। फिर बोलते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल रैंडमली इन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन दे कोलाइड टू ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, दिस कोलिजन इज द इलास्टिक इन द नेचर, ओके। द टोटल एनर्जी बिफोर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ओके। तो इस टाइप के नेचर को उसने डिस्क्राइब किया था। उसमें से उसी नेचर को हम, उसी बिहेवियर को पॉइंट वाइज अगर हम लिखे तो हमारे पास 6 to 7 पॉइंट हो जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम तीन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड तीसरा रहता है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और ये रहता है आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिकुलर स्पीड, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 RT, ये आपका मॉलिकुलर टर्म्स के अंदर है। 3/2 RT कैसे आया, वो मॉलिकुलर टर्म्स के अंदर है कि आपको पहले प्लेस करना होगा, लाइक पीवी अपॉन एनआरटी रहता है आपका, पीवी अपॉन एनआरटी, एन इक्वल टू 1 मोल के लिए क्या होगा, एन इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं तो पीवी इक्वल टू आरटी लिख लेगा, ओके। प्रेशर वॉल्यूम आर इन टू टी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इक्वल टू 1/2 एम यू स्क्वायर, 1/2 एम यू स्क्वायर, देन इसको और इसको फिर अगर आप सेम करोगे तो जाके आपके पास रिलेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। और यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू आएगी, सी मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, √3 PV/N या फिर √3 RT/N, PV=RT के बराबर होगा n=1 पे, या फिर √3। अब जो आपका मास है, ओके, मास RT/N को अगर आप लिख सकते हो P/D के बराबर, क्योंकि हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी, MD इक्वल्स टू आपने सॉल्व किया था RT, MD इक्वल्स टू RT के लमसम बराबर आता था, या फिर उसे हम वापस से देख लेंगे, एट प्रेजेंट टाइम में उसे इंक्लूड नहीं कर रहा। ये C जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो रहेगा आपका √3 P/D के इक्वल्स भी रहेगा। फिर हम रहते हैं एवरेज वेलोसिटी AV, पहले क्या था रूट मीन स्क्वायर, ये था RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सेकंड एवरेज वेलोसिटी वो रहता है आपका √8 RT/πm। ये पूछा नहीं जाता इनकी वैल्यू, बट आपको वर्ड याद होना चाहिए, एक रहता है रूट मीन स्क्वायर, एक एवरेज वेलोसिटी और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल MP। इनमें रिलेशन क्या होता है कि RMS जो है वो ग्रेटर देन रहती है आपकी एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन MP से।
जब आप मॉलिकुलर स्पीड कर्व ड्रॉ करोगे CO2 गैस के लिए तो आपको ये देखने को मिलेगा। ओके नेक्स्ट जो आपके पास ये जो MPS है वो रहता है 0.816 इंटू RMS रूट मीन स्क्वायर, 816 क्रॉस है यहाँ पे 0.816 आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट रहता है वो है आपको, पेज को मुझे हटाना पड़ेगा, पेज थोड़ा सा साइड में लेता हूं मैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास है बिहेवियर ऑफ नेचुरल रियल गैस। तो रियल गैस क्या होती है कि देखो कई गैस ऐसी होती है कि जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे या वेरी लो प्रेशर या हाई प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करते? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल से आप उसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, और जो जो प्रेशर नेग्लिजिबल पहली चीज तो आप उसे मान नहीं सकते, हाई प्रेशर के ऊपर मॉलिक्यूल का भी कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म के अंदर करेक्शन आएगा। दूसरा ड्यू टू द प्रेशर उसमें क्या होगा, आपका जो इंक्रीमेंट या मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके और मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्टॉप होगा और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काम करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेंगे, प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल चिपके हुए रहेंगे, पास पास रहेंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेंगे, तो जितना प्रेशर वॉल को एग्जर्ट करना था उतना प्रेशर वो एग्जर्ट नहीं कर पाते, कुछ पोर्शन उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर कंज्यूम हो जाता है। तो मींस आपके प्रेशर का टर्म भी थोड़ा सा करेक्शन होता है और वॉल्यूम का टर्म भी करेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो नई इक्वेशन बनती है उसे हम कहते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस या रियल गैस इक्वेशन। तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ रियल गैस। टू फॉल्टी एब्जॉर्प्शन ऑफ काइनेटिक थ्योरी लीड वान डर वाल्स मॉडिफाई आइडियल गैस इक्वेशन। वान डर वाल ने मॉडिफाई किया आइडियल गैस इक्वेशन को। फॉल्टी स्टेटमेंट क्या था? पहला था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये आपका फॉल्टी था। गैस के मॉलिक्यूल का भी आपका प्रेशर, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल का भी एक इंडिविजुअल वॉल्यूम होता है, आप उसे नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। दूसरा फॉल्टी एब्जॉर्प्शन था कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस आर नेग्लिजिबल, बट ऐसा होता नहीं है, जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपका वहां पे डोमिनेंट रहता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दो फॉल्टी स्टेटमेंट थे, इसको करेक्ट करने के बाद आपके पास जो न्यू गैस इक्वेशन बनती है वो ये वाली रहती है, न्यू गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। इसमें क्या होता है, प्रेशर के स्टेप में मॉडिफिकेशन हुआ तो पी प्लस ये रहेगा आपका ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ओके, और वॉल्यूम में वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ओके ए एंड बी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, ए एंड बी को हम कहते हैं वान डर वाल कॉन्स्टेंट, और ये नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करती है, ये क्या आपकी वान डर वाल कॉन्स्टेंट, और ये नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके तो ये रह गया आपका रियल गैस इक्वेशन या वान डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या फिर बोल सकते हो डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडल बिहेवियर। डेविएशन वो किसमें मेजर करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम मेजर करते हैं कि कितना डेविएट होता है आपका रियल गैस आइडल गैस इक्वेशन से। तो अगर मैं आइडल गैस इक्वेशन को लाइक पीवी इक्वल टू एनआरटी को इस टाइप से लिखू, पीवी अपॉन एनआरटी इक्वल टू जेड कर दू, या फिर इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, एनआरटी अपॉन पीवी इक्वल टू जेड। तो दैट कंडीशन अगर जेड की वैल्यू वन नहीं आती, अगर जेड की वैल्यू वन नहीं आ रही तो हम ये कहेंगे कि जो आपकी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही, वो रियल गैस है, उसके अंदर डेविएशन आ रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड को क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मीन्स हम उस गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, वो आइडियल गैस नहीं, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। जेड इक्वल टू पीवी अपन एनआरटी होगा, अगर जेड इक्वल टू वन है तो वो आइडियल गैस है, आइडियल गैस को फॉलो कर रही है। अगर जेड नॉट इक्वल टू वन है तो दो कंडीशन हो सकती है, जेड इज ग्रेटर देन वन, ऑन दैट कंडीशन गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, ओके, जेड इज लेस देन वन, ऑन दैट कंडीशन गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन। तो ये रहता है आपका बिहेवियर ऑफ रियल गैस के अंदर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी आ गया। सिक्स्थ जो आपका इसके अंदर कंसेप्ट रहता है वो रहता है आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आप गैस को लिक्विफाइड कैसे कर सकते हो। तो लिक्विफाइड करने के लिए आपके पास दो फैक्टर काम करते हैं, एक प्रेशर दूसरा टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करो
तो भी लिक्विफाइड होगा गैस, टेम्परेचर डिक्रीज करो तो भी लिक्विफाइड होंगे गैस, बट टेम्परेचर कितना डिक्रीज करोगे जिसके नीचे गैस लिक्विफाइड होगी उसके भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। तो उस कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, कि भाई कितने टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पे ही गैस लिक्विफाइड हो सकती है, कितने प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर पे ही गैस लिक्विफाइड हो सकती है, कितना वॉल्यूम होगा जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर हम लिक्विफाइड करेंगे। ओके तो यहां पे हम देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर अबाउ विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर हम गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, उससे नीचे ही गैस लिक्विफाइड होगा। और उसका रिलेशन क्या होता है, टीसी इक्वल टू ए ए अपॉन 27 बी आर, ए और बी यहाँ पे वापस से रियल गैस इक्वेशन में जो ए और बी थे वही है, ये वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट है। आपको इसकी वैल्यू पता हो या ना हो, मीन्स ये पूरी इक्वेशन पता हो या ना हो, बट इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज द क्रिटिकल प्रेशर, व्हाट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम। तो बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर की, पीसी से डिनोट करते हैं, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाइड हो जाए। और क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी इक्वल टू 3b होता है, इसके क्या आपका स्टेटमेंट होता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट विच एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ओके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो ये हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के टॉपिक्स। फिर आपके पास लिक्विड स्टेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, लिक्विड स्टेट क्या है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है। तो लिक्विड स्टेट मीन्स व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ आर हेल्ड क्लोज टूगेदर विद द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे कॉल्ड लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग देन गैसेस स्टेट एंड हैव डिफाइनेट वॉल्यूम। यहां पे गैसेस स्टेट में आएगा, यहां पे आएगा लिक्विड स्टेट। इंटरमोलिकुलर अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो देन लिक्विड स्टेट एंड हैव डिफाइनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम क्या होता है डिफाइनेट, बट शेप इनडिफाइनेट होता है, शेप आपका चेंज होता रहता है कंटेनर के अकॉर्डिंग, जिस कंटेनर में हम उसे फिल करेंगे लिक्विड को उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। तीन इसके प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वेपर प्रेशर, सेकंड सरफेस टेंशन एंड थर्ड विस्कोसिटी। वेपर प्रेशर क्या था, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर इज वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द टेम्परेचर at liquid, okay, and that temperature it increase with increase in temperature, vapor pressure क्या होता है, temperature increase करोगे तो ये increase होगा, okay। फिर आपके पास था surface tension, surface tension क्या होता है कि आपके आपके surface के ऊपर unit length के ऊपर जो pressure work करता है या जो force work करता है, unit length के ऊपर जो force work करता है उसे हम कहते हैं surface tension। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज होता है, ओके। फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस, यूनिट ऑफ दिस इज डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर होगा ये, डाइन पर सेंटीमीटर या न्यूटन इंटू पर मीटर, ओके। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मीन्स अगर आप सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा कब, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज है। थर्ड आपके प्रॉपर्टी था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होते है, इट इज द मेजर इन रेजिस्टेंस व्हेन वन लेयर ऑफ द लिक्विड स्लिप और मूव पास्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर जो लेयर मूव करती है तो इस मूवमेंट को जो रजिस्ट करता है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, डाइन, सॉरी इसकी जो यूनिट है वो है पॉइज, सीजीएस में इसकी यूनिट है पॉइज, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा पॉइज, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर ऑफ द फ्लूइड्स, किसके कारण से ये पैदा होता है, इंटरनल फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में उसके कारण से ये अराइज होता है। एज दे स्लिप पास्ट वन अनदर एज द लिक्विड फ्लो, एंड इसकी यूनिट जो रहती है वो पूछी जाती है कई बार, तो वो रहती है आपके पास पॉइज, यूनिट इज पॉइज। तो ये था आपका माइंड मैप
सारा माइंड मैप आपने एक ही पेज के ऊपर देख लिया, लर्न किया, तो आई थिंक ये आपके लिए काफी अच्छा रहता है। देखिए दिस वन, मैं फिट करता हूँ। हमने क्या स्टडी किया, स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट हमारे पास जो इसमें कंसेप्ट आता है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, टाइप ऑफ दिस फोर्सेस, सेकंड गैस लॉ, थर्ड आइडियल गैस इक्वेशन एंड डाल्टन पार्शियल प्रेशर, फोर्थ काइनेटिक गैस थ्योरी एंड द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, फिफ्थ बिहेवियर ऑफ रियल गैस, सिक्स्थ वन लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, एंड नेक्स्ट वन जो आपके पास रहता है सेवन्थ, वो रहता है आपके पास लिक्विड स्टेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड स्टेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।